जय श्री कृष्ण भाइयों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही सभी पार्टियों को जनता की याद आ रही है। अब विपक्ष पार्टी के पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो एक एक आदमी को पकड़े अपने समर्थन में वोट करने के लिए कहे, लेकिन बीजेपी के पास आर पार की दौलत है। अब जब बेशुमार दौलत बीजेपी के पास है तो उन्होंने लगा दिए अपने आदमी इलाके के हर एक घर तक बीजेपी के लिए समर्थन में वोट मांगने के लिए। बीजेपी की अलग अलग तरह के तरीकों में वोट साधने की एक कोशिश का सामना हमारे एक भाई से हुआ। जितना समझ में आया उससे तो ये लग रहा है कि बीजेपी के पास हर उस आदमी का मोबाइल नंबर है जो अपने दम पर 10-12 लोगों के वोट इधर से उधर करवाने का दम रखता है। उनके आईटी सेल से एक दो दिन पहले हमारे भाई के पास फ़ोन आया। आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप खुद ये रिकॉर्डिंग सुनिए। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी यादव भाई जागरूक हो और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों से ही सवाल पूछे, आप अहिर रेजिमेंट का गठन कब करवाओगे और अपने घोषणा पत्र में शामिल कब करोगे। चलिए आप रिकॉर्डिंग सुनिए। बीजेपी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय गुरुग्राम से दीपक बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलो भाई साहब। भाई साहब, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से देश सेवा में लगी हुई है। अच्छा, 2047 तक मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में आपकी अहम भूमिका होगी। अच्छा, इस दिशा में आपसे अनुरोध है कि आप अपना और अपने आसपास के 10 परिवारों की जिम्मेवारी लें और आने वाले लोकसभा चुनाव में कमल का बटन दबाकर मोदी जी को मजबूती प्रदान करें। अगर कोई संदेश देना चाहते हो मोदी जी को, संदेश ये है जी, संदेश को आगे तक पहुंचा दे संदेश। भाई साहब, इसमें संदेश, आप संदेश के लिए फोन किया, अगर कोई आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम, कोई चेंजमेंट वगैरह चाहते हो तो आप बता सकते हैं। अच्छा, तो भाई साहब संदेश ये है कि हमारे इलाके की मांग है अहिर रेजिमेंट, और 10 परिवारों की वोट भी जभी दिलवाएंगे जब अहिर रेजिमेंट के बारे में विचार करेंगे और अपने मैन्युफेस्टो में शामिल करेंगे। कौन सा एरिया आपका? एरिया जी रेवाड़ी से। विधानसभा कौन सी है? विधानसभा रेवाड़ी है जी। रेवाड़ी विधानसभा। अच्छा, मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ बे? अरे प्रॉब्लम मेरा भाई, तू ना ही रेजिमेंट को ना फिर, और तू गुड़गांव आकर मैं बैठो कार्यालय मेरे, वहां से फोन कर रहा है। तो मैं वो तो समझ गया आपकी मतलब। हमारे इलाके की मुख्य मांग है ही रेजिमेंट भारतीय सेना में गठन होना चाहिए शहीदों के सम्मान में। हम आपके और भाई मांग ने समझ गया, आगे तक भेज सको तो ठीक है ना, तो बहुत मुश्किल है। ओके, और विरोध में ही काम कर रहा हूँ, अगर वोट अगर रेजिमेंट नहीं बनेगी तो। भाई साहब, मैं तो आपके जो विचार है इनको सबमिट कर देता हूँ, इन पे जरूर कोई ना कोई देख के एक्शन लिया जाएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है जी। हाँ तो भाइयों, कैसी लगी ऑडियो? अब जब भी मेरा हंसने का मन होता है तो मैं इस रिकॉर्डिंग को सुन लेता हूँ। इन्होंने इलाके के वोटर्स को साधने के लिए मजदूर तो बैठा दिए, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको मोदी भक्ति के अलावा दुनियादारी का कुछ नहीं पता। इलाके की और यादव समाज की सबसे बड़ी मांग के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है। थोड़ा दबाव बनाया तो झूठी हाँ भी भर ली। अगर ऐसे ही लोगों के जरिए बीजेपी जनता से फीडबैक लेगी तो हम इतना जानते हैं कि इनका मैन्युफेस्टो और विजन सब बोगस होगा। हम मोदी जी से निवेदन करते हैं कि अहिर रेजिमेंट की मांग को आपकी पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किया जाए और रेजिमेंट का गठन करवाए, नहीं तो समाज पूरी ताकत से वोट की चोट मारेगा। अब हमने तो अहिर रेजिमेंट की मांग उस दिहाड़ी वाले को बता दी कि 10 घर जोड़ने तो छोड़ो, 50 घर खिलाफत में ही खड़ा कर देंगे। जो हमारे शहीदों के सम्मान में अहिर रेजिमेंट नहीं बनवा सकते तो ऐसा ही करना पड़ेगा। समाज ही सर्वोच्च है, समाज के मान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। अहिर रेजिमेंट के अलावा फिलहाल हमें कुछ नहीं चाहिए। राष्ट्रीय रक्षा परम धर्म है। अहिर रेजिमेंट राष्ट्रीय रक्षा हेतु बलिदान के लिए
वोट वही पाएगा जो अही रेजिमेंट बनवाएगा।